हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में ग्रिगनार्ड रेजेंट और हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड ग्रिगनार्ड रेजेंट के साथ देख लिया था, 1 डिग्री अमाइन के साथ किस तरीके से होता है उसको हमने देख लिया था। नाउ उसके बाद हमने उसको ऑक्सीमर्क्युरेशन डीमर्क्युरेशन रिएक्शन को भी अच्छे से समझ लिया था। ध्यान ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराते हैं तो आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ टाइप बनता है, नॉट एंटी मार्कोनिक ऑफ। वहां पर आपका प्रोडक्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ टाइप बनता है, लेकिन जब हम ऑक्सीमर्क्युरेशन और डीमर्क्युरेशन कराते हैं तब आपका प्रोडक्ट मार्कोनिक ऑफ टाइप बनता है। और दोनों में ध्यान रखना है, दोनों में साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है, इस वजह से आपका वहां पर रीअरेंजमेंट अकर नहीं होता है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि आपके लिए नया होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। तो देख लेते हैं यहां पर हम फिफ्थ पॉइंट, बाय हाइड्रो लाइसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर से हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो, ईस्टर आपका होता क्या है? सबसे पहले ईस्टर कंपाउंड बच्चों ध्यान से समझेंगे, आर यहां पर कार्बन, सी ओ आर, ये आर और यहां पर मैं लिखता हूं आर डैश। ठीक है, ये आपका ईस्टर कंपाउंड होता है। अब ईस्टर कंपाउंड के प्रेजेंस में आपका हाइड्रोलाइसिस किस तरीके से होता है ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो, ये मैंने लिया, ये आपका ईस्टर कंपाउंड होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ये आर सी ओ ओ आर डैश। ठीक है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन यहां पर ध्यान से समझेंगे, मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगा ध्यान से। अगर मैंने इसकी रिएक्शन आपका एसिडिक मीडिया में कराया, कौन से मीडिया में? एसिडिक मीडिया में। ठीक है, एसिडिक मीडिया में इसका अगर मैंने हाइड्रोलाइसिस कराया बच्चों, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा ध्यान से समझेंगे। जहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा आर सी ओ ओ एच और यहां पर आपका आर डैश ओ एच बनेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ यहां पर अगर मैं इसका बेसिक मीडिया में हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां पर आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी ओ ओ माइनस और यहां पर आपका क्या बन जाएगा, आर डैश ओ एच। देखो यहां पर ये एल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड में आएगा। देखो यहां पर आपका किसका प्रिपेयर हो गया बच्चों, एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल का ध्यान से समझेंगे, दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये आपका रिवर्सिबल फिनोमिना होता है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और ये आपका इररिवर्सिबल होगा। ठीक है, इररिवर्सिबल रिएक्शन होगा। अब देखो ध्यान से, ये आपका इररिवर्सिबल क्यों होगा, ये आपका रिवर्सिबल क्यों होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं बाय मैकेनिज्म। तो अब हम देखते हैं एक एक करके कि यहां पर सबसे पहला एसिड की वजह से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन। मैकेनिज्म समझते हैं एक एक करके, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन आपका होगा क्या बच्चों ध्यान से। देखो यहां पर मैंने आर सी ओ ओ आर डैश लिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपका क्या होगा, एच प्लस। ठीक है, एच प्लस आपका यहां पर, एच प्लस आपका यहां अटैक करेगा, कहां बच्चों, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। H+ आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो H+ आपका यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है, R CO OH+। ठीक है, नाउ यहाँ पर O R डैश। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर इसने अटैक क्यों किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अटैक करने का इसका रीजन क्या था, कि अब ये हम समझते हैं एक एक करके ध्यान से समझ में आ जाएगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अब इस पर H2O न्यूक्लियोफाइल ध्यान से समझेंगे, H+
एच टू आपका कौन सा न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों? एच टू आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया, एच टू आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब H2O अगर आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो इस पर आपका, यहां पर आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ज्यादा अच्छा होना चाहिए। देखो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ खुलेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आएगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ आएगा तो H2O यहाँ अटैक करेगा। अब ध्यान से समझेंगे, हमने यहाँ पर H+ का सबसे पहले प्रोटोनेशन, इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन। इस स्टेप को हम क्या बोलेंगे? प्रोटोनेशन। यहाँ पर हमने पहले स्टेप में प्रोटोनेशन कराया, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर खुलेगा, ठीक है बच्चों? यहाँ पर प्रोटोनेशन कराने का रीजन क्या था कि यहाँ पर इसको इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इसको बनाना था, ठीक है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रोटोनेशन पे फर्स्ट स्टेप में करवाया है बच्चों, ठीक है? अब देखो न्यूक्लियोफाइल आया, अब न्यूक्लियोफाइल आया क्योंकि वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल के लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां अटैक करेगा तो नाउ अब आपका क्या होगा? OH OH H+, ठीक है? अब यहां पर OR-, ठीक है? OR-। अब यहां से आपका क्या होगा? यहां से आपका H+ रिमूव होके यहां आ जाएगा, ठीक है? प्रोटोनेशन, प्रोटोन आपका ट्रांसफर होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा बच्चों? यहाँ पर प्रोटोन का ट्रांसफर। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ बच्चों? प्रोटोन ट्रांसफर, यहाँ पर प्रोटोन का ट्रांसफर हुआ। अब यहाँ पर आपका प्रोटोन का ट्रांसफर हुआ तो क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझ लेते हैं, RCOOH OH, ठीक है? अब यहाँ पर O+H R-। अब ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप की तरह। अब यहां से आपका ग्रुप लीव कर जाएगा। तो देखते हैं एक एक करके मैकेनिज्म, काफी सिंपल है बच्चों, ठीक है? एक एक करके मैकेनिज्म को हम समझते हैं, देखते हैं यहां पर मैकेनिज्म को। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? RCOH OH, ठीक है? आपका R-OH बाहर निकल गया, ठीक है? नाउ अब इसके बाद यहां पर क्या होगा अगले स्टेप में, ठीक है? पूरा आपका रिवर्सिबल होगा। अब देखो यहां पर आपका H, अब ये यहां खुलेगा, ठीक है? अब ये यहां खुलेगा बॉन्ड, और यहां से क्या रिमूव होगा? H+, ठीक है? तो RCOOH, ठीक है? ये आपका R-OH बन गया, ये आपका कार्बोक्जिलिक एसिड बन गया। अब ध्यान रखने वाली बात ये है बच्चों कि देखो रिएक्शन में आपका H+ आया और H+ वैसा का वैसा बाहर निकल गया, तो इसीलिए यहां पर क्या बोला, एसिड यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एसिड एक्ट एज अ कैटेलाइज, ठीक है? तो यहां पर हमने क्या बोला, एसिड एसिड एक्ट एज एज कैटेलिस्ट। एसिड आपका किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैटेलिस्ट। सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड, सो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म, ठीक है बच्चों? इस रिएक्शन को हमने एसिड कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म क्यों बोला? अब देखो यहां पर, देखो यहां पर ये आपका RCOOR आपका H2O में कन्वर्ट कर देगा, तो यहां पर क्या होगा बच्चों? देखो यहां पर आपका RCOOH और यहां पर R-OH बनेगा, ठीक है? अब हम समझते हैं कि यहां पर अकॉर्डिंग टू ली चैटेलर प्रिंसिपल, अगर मैंने ROH को एक्सिस में लिया, किसको एक्सिस में लिया? इफ वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ R-OH, देन रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर मैंने यहां पर इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया तो रिएक्शन आपका कहां बढ़ेगा बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में। देन इसी तरीके से बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? और इसी तरीके से इफ वी विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ
इंक्रीज द अमाउंट ऑफ, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एच टू ओ, देन रिएक्शन मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रिएक्शन आपका कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा बच्चों? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर ये रिएक्शन अगर आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होती है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इफ इफ रिएक्शन इज मूव, इफ रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन मतलब अब हम क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन का जो आपका रिवर्स फिनोमिना होगा वो आपका एस्टरीफिकेशन रिएक्शन होगा बच्चों। अगर मैं इस रिएक्शन का रिवर्स कर दूंगा तो वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। देखो, इसको हम एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ROH, अगर H प्लस के प्रेजेंस में अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट? एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इस मैकेनिज्म में आपको एक ही बात ध्यान रखना था कि ये रिएक्शन आपके एसिड कैटेलाइज में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी, और साथ साथ आपके कौन से डायरेक्शन में बच्चों? बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी। ठीक है, अगर रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन से मूव हो रही है तो ये आपका क्या होगा बच्चों? ये आपका आपका यहां पर इसको बोलेंगे एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब इसमें मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था कि इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियोफाइल आपका कहां अटैक कर रहा है? कार्बोनिल कार्बन पे। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन पे, तो उससे रिलेटेड मैं अभी कॉन्सेप्ट आपका लूंगा बच्चों। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला रिएक्शन देखते हैं बच्चों। बेस यहां पर कैटेलाइज्ड नहीं बोलेंगे बच्चों, यहां पर प्रमोटेड बोलेंगे। तो मैं पहले गलत लिखता हूं जानबूझ के बच्चों, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बेस कैटेलाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, अब बेस से आपका किस तरीके से कैटेलाइज्ड होगा इसको मैं आपको, देखो बच्चों यहां पर बोलते हैं एक्चुअली में बेस वो प्रमोटेड रिएक्शन, लेकिन यहां पर बेस कैटेलाइज्ड मैंने क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूं। मैंने अभी यहां पर गलत आपका लिखा हुआ है, अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों। देखो, ये आपका ईस्टर है, ओ आर डैश। अब क्या होगा बच्चों? NaOH, मैंने लिया बेस। अब देखो, मैंने जब स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो यहां पर OH माइनस कहां अटैक करेगा? यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? RCO-Na+। दिस इज नॉट अ रिवर्सिबल रिएक्शन, मैंने आपको फर्स्ट ही बताया ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है। क्यों है? क्योंकि ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस आपका वीक बेस में कन्वर्ट होगा तो वो हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा बच्चों, ध्यान रखना, हमेशा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा। तो यहां पर आपका OH आ गया और यहां पर आपका OR आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, या ये आपका हो गया बच्चों। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर ये वाला बॉन्ड अगर आपका नीचे खुलेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा। अब जैसे ही ये वाला बॉन्ड आपका बाहर खुलेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? RCOOH। ठीक है, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? R-OH। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, R-O-। ठीक है, R-O-। नाउ अब क्या होगा कि यहां से आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहां से आपका H आपका यहां पर शिफ्ट होगा। जैसे ही ये वाला हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगी यहां पर, हाइड्रोजन यहां पर आपका क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन जैसे ही यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, RCOO-Na+ और यहां पर R-OH। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा? दिस रिएक्शन कैन नॉट प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन
डायरेक्शन ड्यू टू द पुअर लिविंग एबिलिटी ऑफ O-। O- का पुअर लिविंग एबिलिटी होने की वजह से रिएक्शन आपका बैकवर्ड नहीं जाएगा, ये रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ध्यान से समझना, ये रिएक्शन आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अब मैंने यहां पर क्या लिया है बच्चों, बेस कैटलाइज्ड। अब देखो, अब हम समझते हैं कि यहां पर आपका जो OH- है वो OH- आपका प्रोडक्ट में आया है। बच्चों ध्यान से देखो, वो OH- आपका प्रोडक्ट में कहीं आया है, नहीं आया है, तो इस रिएक्शन को हम बेस कैटलाइज्ड नहीं बोलेंगे। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट, क्या बच्चों, बेस प्रोमोटेड रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको हम, बेस प्रोमोटेड रिएक्शन। काफी बुकों में गलत दिया हुआ है बच्चों, बेस कैटलाइज्ड नहीं होता। क्या होता है बेस बच्चों, बेस प्रोमोटेड रिएक्शन होता है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कांसेप्ट है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें आपका हाइड्रोलाइसिस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, इन बोथ मैकेनिज्म न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन कार्बोनाइल कार्बन। मतलब दोनों मैकेनिज्म में आपका न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक कर रहा है बच्चों, कार्बोनाइल कार्बन पे। Hence magnitude of positive charge will be maximum। आपका magnitude of positive charge आपका क्या होना चाहिए बच्चों, maximum होना चाहिए। ठीक है, तभी आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। सेम आपका ग्रिगनार्ड की तरह चलेगा बच्चों, यहां पर सेम आपका ग्रिगनार्ड की तरह चलेगा। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखो, फोर ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस के ईज के लिए, मतलब काफी इजीली आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाए, उसके लिए आपको केवल दो पॉइंट आपको ध्यान रखने, और तीसरा पॉइंट आता है तो आपको वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, फॉर ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस के ईज के लिए हमको क्या करना है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच विद कार्बोनाइल कार्बन इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर आपके कार्बोनाइल कार्बन से अटैच है तो वो आपका हाइड्रोलाइसिस के रेट को एनहांस कर देगा बच्चों। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट समझते हैं। सेकंड पॉइंट, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप आपके रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि अगर बल्किनेस होगा तो न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक नहीं कर पाएगा। तो एक एक करके समझते हैं, यहां पर एक एक करके समझते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहां पर
अरेंज इन द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के रेट में आपको अरेंज करना है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है। देखो आप एक क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। CF3CO OR, ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड। मैं लिख देता हूं बच्चों CH3CO OR, ठीक है, यहां पर CH3 ले लेते हैं, ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, अब यहां पर मैंने ले लिया NO2 NO2 CH2 CO OCH3, ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड और ये आपका थर्ड। अब आपको इसमें रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताना है। तो देखो यहां पर आपका क्या है बच्चों, फ्लोरीन है, ठीक है, यहां पर आपका फ्लोरीन है। देखो यहां पर इसको इस तरीके से लिख देता हूं F, ठीक है, यहां पर आपका फ्लोरीन है, क्या शो करेगा बच्चों, -I। यहां पर आपका NO2 है, क्या शो करेगा, -I, ठीक है, -I शो करेगा। यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका +I है। तो देखो कार्बोनिल कार्बन से अगर आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा तो वो आपका क्या इंक्रीज करेगा बच्चों, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को इंक्रीज करेगा। तो यहां पर -I इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, तो यहां पर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आपका किसका मैक्सिमम होगा, थर्ड का मैक्सिमम होगा। उसके बाद आपका किसका मैक्सिमम होगा बच्चों, फर्स्ट का, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट आपका ज्यादा होता है। फिर किसका आ जाएगा बच्चों, सेकेंड का, ठीक है। अब अगर यहां पर मैंने CF3 का केस लिखाया था तो CF3 के केस में हम क्या बोलेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट आर एडिटिव इन नेचर। तो यहां पर तीन तीन ग्रुप होने की वजह से यहां पर फर्स्ट आ जाता है ये, फिर ठीक है। तीन ग्रुप अगर CF3 मैंने लिखाया था तो CF3 के केस में ये आपका पहला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी लिख सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी भी देखते बच्चों। यहां पर देखो ये आपका OCH3, ठीक है, ये आपका फर्स्ट, ठीक है, यहां पर मैं इसको ऐसे बना देता हूं, OCH3, ये आपका सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, CL OCH3। अब देखते हैं बच्चों यहां पर थर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, सबसे पहला पॉइंट। तो यहां पर ये आपका ग्रुप अटैच है, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, -I, ठीक है। यहां पर आपका देखो यहां पर कार्बोनिल कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपका बल्की ग्रुप है, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है। तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक को क्या करेगा बच्चों, ये आपका रेजिस्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा क्योंकि यहां पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक को रेजिस्ट करने के लिए कोई यहां पर आपका क्या नहीं है बच्चों, बल्कि ग्रुप आपका प्रेजेंट नहीं है। तो ध्यान रखना स्मॉलर एल्काइल ग्रुप ऑल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, मतलब ये आपके रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को क्या कर देगा बच्चों, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ऑर्डर को देखना चाहूं तो देखो बल्की ग्रुप होगा तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस अपने आप आपकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो देख लेते हैं यहां पर ऑर्डर क्या होगा बच्चों, देख लेते हैं। सबसे पहला थर्ड, थर्ड के बाद आपका क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, दोनों कॉन्सेप्ट आपको मिला दिया, वहां वहां आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो आपके रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को क्या करेगा, एनहांस करेगा। और यहां पर ही देखो इस पॉइंट पर आपका बल्की ग्रुप अटैच नहीं है, लेकिन यहां पर बल्की ग्रुप अटैच है जो कि आपके न्यूक्लियोफाइल के अटैच को, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को क्या करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को स्टॉप करेगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक को यहां पर है ना रेजिस्ट करेगा। न्यूक्लियोफाइल के अटैक को जब यहां पर रेजिस्ट करेगा तो इसका रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस डिक्रीज हो जाएगा बच्चों। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, हम इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देख लेते हैं यहां पर एक और क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, सी क्वेश्चन, ठीक है। सी क्वेश्चन में क्या होगा बच्चों, ध्यान से, अगर मैंने CH3CO
OCH3, ठीक है, यहां पर मैंने लिया CH3, CH2, CO, OCH3, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, यहां पर CH3, CH3H, OCH3, ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड, ठीक है। अब यहां पर फोर्थ वो बना देता हूं बच्चों, CH3, 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 OCH3, ये हो गया आपका फोर्थ, ठीक है बच्चों, ये आपका है कंपाउंड। अब इसमें आपको रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताना है, तो यहां पर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप आपका अटैच नहीं है बच्चों, यहां पर आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप आपका क्या करेगा बच्चों, यहां पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपका ये है, ठीक है बच्चों, तो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप आपके रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस को एनहांस करेगा, तो ये आपका स्मॉलर हो गया और वो आपका बिगर हो गया, तो यहां पर अगर मैं बोलूंगा तो फर्स्ट का हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा, उसके बाद सेकेंड का, उसके बाद थर्ड का, और उसके बाद किसका हो जाएगा बच्चों, फोर्थ का, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। यहां पर CH3COO, ठीक है, इसमें बताना है आपको रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हो गया फर्स्ट, यहां पर CH3COO OCH3, ठीक है, ये हो गया एक, एक आपका हो गया यहां पर CH3CO, यहां पर हो गया आपका NO2, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां पर आपका रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस बताना है। अब इस बार ध्यान से समझने वाली बात है कि कार्बोनिल कार्बन से अटैच वाले कार्बन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आपका सिमिलर है, ये आपका तीनों में क्या है बच्चों, सिमिलर है। जब ये आपके तीनों में सिमिलर होंगे तो आपका दिक्कत कहाँ आ रहा है बच्चों, तो आपका दिक्कत कहाँ आ रहा है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है, ये भी आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, और ये भी आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग ग्रुप की तरह, ठीक है। अब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाए तो सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप अगर आपका जल्दी से निकल जाएगा तो लिविंग ग्रुप आपका क्या करेगा बेटा, रेट को एनहांस करेगा, तो यहां पर अब हम समझ सकते हैं कि यहां पर आपका लिविंग ग्रुप क्या करेगा, रेट को एनहांस करेगा, तो देखते हैं एक एक करके। तो यहां पर अगर मैंने ये बना दिया, देखो ध्यान से, OH ये मैंने बना दिया, ठीक है, सेकंड में ये आपका फर्स्ट के लिए, ठीक है, अब यहां पर मैंने बना दिया OH, ठीक है, यहां पर मैंने बना दिया इसका OCH3, ठीक है, लिविंग ग्रुप का बना रहा हूं बच्चों, ध्यान से समझेंगे, ये फर्स्ट का, ये मैंने बना दिया सेकंड का, और ये मैंने बना देता हूं यहां पर थर्ड का, ठीक है। अब लिविंग ग्रुप एबिलिटी के हिसाब से निकालेंगे, ठीक है, यहां पर NO2, अब हम देखते हैं कि कौन आपका स्ट्रोंगर बेस है, सॉरी स्ट्रोंगर एसिड कौन है, तो यहां पर अगर मैं एसिडिक ऑर्डर का स्ट्रेंथ निकालना चाहूं तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक ऑर्डर क्या होता है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ध्यान से बताओ, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक ऑर्डर किसका मैक्सिमम होगा, ध्यान से सोच के आप लोग बता सकते हो, तो देखो यहां पर एच, यहां पर आपका क्या होगा NO2, NO2 कौन सा ग्रुप है बच्चों, माइनस आई, और यहां पर क्या शो करेगा, माइनस एम, ये आपका क्या है बच्चों, प्लस एम और माइनस आई, यहां पर कोई ग्रुप नहीं है, तो देखते बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रेट ऑफ सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनहांस द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो यहां पर थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद किसका होगा बच्चों, उसके बाद आपका फर्स्ट का होगा, ठीक है, उसके बाद आपका किसका होगा, सेकेंड का, और जैसा कि आप लोग जानते हो लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखो बेसिक स्ट्रेंथ किसका मैक्सिमम होगा, सेकंड का, सेकंड का जब आपका बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगा तो उसका लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है, तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर मैं लिखना चाहूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बच्चों सेकेंड का सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट का, उसके बाद आपका थर्ड
थर्ड का, तो इसका इन्वर्सली ये तो जस्ट उल्टा यहां पर लिखना पड़ेगा कि थर्ड का आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगा, फिर फर्स्ट का होगा, फिर आपका सेकंड का होगा, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसमें मैक्सिमम है बच्चों? लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपका किसका मैक्सिमम है? थर्ड का मैक्सिमम है। थर्ड का आपका लिविंग ग्रुप एबिलिटी मैक्सिमम है। सो अकॉर्डिंग टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी सो अकॉर्डिंग टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर आपका थर्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद आपका फर्स्ट का, उसके बाद आपका किसका हो जाएगा बच्चों? सेकंड का। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। इसको अगर एक दो बार आप लोग करोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है कि यहां पर देखते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या बनता है बच्चों, उसी को समझेंगे फिर और कंसेप्ट को समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहां पर अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये बनता है कि आर सी ओ आर, ठीक है, ये आपका कौन सा पार्ट है? अल्काइल अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड है। देखो यहां पर आर डैश और ओ मतलब अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड है, और यहां पर आपका कौन सा बॉन्ड है बच्चों? असाइल और ऑक्सीजन बॉन्ड है, ठीक है। जनरली असाइल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड विल ब्रेक, मतलब आपका कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक होता है बच्चे? इसमें असाइल और ऑक्सीजन बॉन्ड ही आपका जनरली ब्रेक होता है, लेकिन इन सम कंडीशन आपका क्या होगा बच्चों? असाइल और अल्काइल अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड भी आपका ब्रेक होगा, ठीक है। अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड भी आपका ब्रेक होगा, ध्यान से समझेंगे बच्चों। कुछ कंडीशन में आपका अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड भी ब्रेक होगा, वो कंडीशन आपका कौन सा है? वो कंडीशन आपका क्या है बच्चों? जब आपका ये आर मतलब ये वाला आर जब आपका बल्की होगा, ठीक है, बल्की ग्रुप होगा, तो आपका कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा बच्चों? ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तब आपका अल्काइल और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड आपका ब्रेक हो सकता है, या फिर आपका आर किसकी तरह बिहेव कर जाए? लिविंग ग्रुप की तरह, लिविंग ग्रुप लाइक टोसिलेट, ब्रोसिलेट, मेसिलेट, ठीक है। इस तरीके के अगर आपके लिविंग ग्रुप हो जाए तो आपका आपका ये वाला बॉन्ड भी आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल समझते हैं बच्चों कि कब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो, अगर मैंने यहां पर लिख देता हूं कंडीशन फॉर अल्काइल ओ बॉन्ड, ठीक है, अल्काइल और ओ बॉन्ड आपका कब ब्रेक होगा देखते हैं बच्चों, ध्यान से समझेंगे। इसमें देखो कंडीशन समझ लेते हैं इसका, ये मेरे पास इस तरीके का ग्रुप अगर अटैच होगा तो आपका हमेशा कौन सा बॉन्ड आपका ब्रेक होगा? हमेशा आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों? यहां पर अब आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक होगा बच्चों? ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ध्यान से समझना। अगर यहां पर मैंने इसको अटैच कर दिया, देखो सल्फोनिक ईस्टर को अटैच कर दिया, तो जैसा कि आप लोग जानते हो ये आपका कौन सा ग्रुप शो करता है? इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होती है, जब इसकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर आपका कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ये वाला, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? मेसिलेट ग्रुप, ठीक है, ये आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा बच्चों? मेसिलेट ग्रुप। इसी तरीके से अगर यहां पर मैंने ये वाला ग्रुप अटैच कर दिया CF3SO(OOCH3), नाउ ये भी आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, टेट्राफ्लेट, तो ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ब्रेक हो जाएगा, ध्यान से समझना बच्चों। ये वाला बॉन्ड आपका कुछ कंडीशन पे ब्रेक होता है, वो कंडीशन आपका ये सब है, ठीक है। इस कंडीशन पे हमको इन सब बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, ठीक है।
अब देखो यहां पर ये आकर आपका स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप एबिलिटी रखता है, तो मैक्सिमम इन केस में आपका आपका बैकवर्ड रिएक्शन होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन से अटैक करेगा, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्टीरियो केमिस्ट्री इन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ठीक है। ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस में हम स्टीरियो केमिस्ट्री को समझते हैं। देखो बच्चों, पहले रिएक्शन आया, उसके बाद हमने मैकेनिज्म लिखा, उसके बाद हमने एनालिसिस किया, ठीक है। अब हम समझते हैं यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है बच्चों। इसकी देखो, अगर मैंने इसकी रिएक्शन देखो, यहां पर H प्लस और H2O 18 के साथ करा दिया। अब यहां पर 18 ही हमको बताएगा कि कौन कहां जाके अटैच होगा। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आपका क्या होगा बच्चों, H प्लस आपका यहां अटैक करेगा और ये आपका यहां जाएगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर आपका CH3C, यहां पर लिख देता हूं OH+, यहां पर OCH3 नाउ आपका, अब यहां पर H2O अटैक करेगा। H2O कौन सा वाला, 18 आइसोटोपिक ऑक्सीजन वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर OH, यहां पर आपका OH, ये वाला बॉन्ड आपका ऊपर खुलेगा, ठीक है। यहां पर आपका क्या जाएगा, OCH3 नाउ, यहां पर आपका प्लस और ये 18, अब ये H आपका बाहर जाके ये वहां यहाँ अटैक करेगा, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। सारा रिवर्सिबल पाथवे है बच्चों की, क्योंकि एसिडिक एसिडिक मीडिया प्रेजेंट होने की वजह से, ठीक है। यहां पर OH, यहां पर OH, CH3 ये आपका प्लस, अब ये आपका लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, अब ये वाला ऑक्सीजन दोनों सिमिलर हो चुके हैं, ये वाला OH और ये वाला OH दोनों आपके क्या हो चुके बच्चों, सिमिलर हो चुके हैं। तो आपका प्रोडक्ट यहां पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहां पर आपके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। या तो यहां से आपका प्रोटोन रिमूव हो जाए, ठीक है। अगर यहां से अगर आपका प्रोटोन रिमूव होगा तो यहां पर ऐसा आ जाएगा, और अगर यहां से आपका प्रोटोन अंदर जाएगा तो यहां पर कैसा आ जाएगा बच्चों, CH3COO18H, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर आपके दो टाइप के प्रोडक्ट आपके फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका बात इतना ध्यान से समझना कि आपका ऑक्सीजन पे ही, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही आपका 18 आइसोटोपिक ऑक्सीजन आ रहा है। तो इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है, कि यहां पर आपको इतना ही समझने को मिल रहा है कि अगर आपका 18 आइसोटोपिक है, वो हमेशा कार्बोक्सिलिक में जाएगा, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, आर डैश, मतलब CH3OH, CH3OH, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल रिएक्शन है, काफी सिंपल आपका रिएक्शन है। तो अब हम समझते हैं कि इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री पे किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। कि देखो यहां पर मैकेनिज्म तो बाद में आई, तो हमको बाद में पता पड़ा, जब हमने आइसोटोपिक ऑक्सीजन लिया तब हमको बाद में पता पड़ा कि आपका ये वाला बॉन्ड या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड आपका OH को रिमूवल करता है। यहां पर आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाले बॉन्ड को ब्रेक होना किसने बताया, आइसोटोपिक हाइड्रोजन ने, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से, काफी अच्छा और सिमिलर क्वेश्चन होगा। देखते हैं यहां पर, अगर मैंने यहां पर CH3CO, ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया, ये आपका CH3, ये आपका C2H5, और यहां पर मैंने H ले लिया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने अगर हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ कराया तो आपका रिएक्शन क्या होगा, यहां अटैक करेगा और ये आपका यहां अटैक करेगा और ये आपका लिविंग ग्रुप बन के बाहर निकलेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। यहां पर OH और यहां पर आपका OH, CH3H, C2H5, मतलब अपने अपने जो
आइसोमर है उसको क्या कर लेगा बच्चों, यहां पर अपने कॉन्फिग्रेशन को रिटेन कर लेगा, यहां पर अपने कॉन्फिग्रेशन को क्या कर लेगा, रिटेन कर लेगा। चलो हम एक बार नंबरिंग कर लेते हैं। वन इसका हो जाएगा बच्चों आपका टू, इसका हो जाएगा थ्री, ठीक है, इसका हो जाएगा फोर, फोर नीचे जाएगा, ये ऊपर नीचे, ये आपका इधर उधर, तो यहां पर वन आ जाएगा, वन के बाद आपका टू यहाँ आ जाएगा, ठीक है, टू के बाद आपका वन टू और यहाँ पर आपका थ्री आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा कॉन्फिग्रेशन है, कौन से क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपका ऐसे, और यहाँ पर भी देख सकते हो तो वन टू थ्री फोर सिमिलर है आपका, तो वन वहां जाएगा, थ्री यहाँ आएगा, फोर नीचे जाएगा, तो यहाँ पर भी आपका कौन सा कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा बच्चों, एस कॉन्फिग्रेशन। तो कॉन्फिग्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर सी एच थ्री एस ओ, यहां पर मैंने ले लिया सी एच थ्री एच सी टू एच फाइव, अब मैंने इसका रिएक्शन कराया किसके साथ बच्चों, यहां पर रिएक्शन कराया मैंने, यहां पर मैंने एच टू ओ के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ, यहां पर एच प्लस, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराया, तो यहां पर क्या होगा कि ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये आपका इस पॉइंट पर अटैक करेगा और ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर बैक साइड अटैक होगा, कहाँ कहाँ अटैक होगा बच्चों, बैक साइड अटैक होगा। अब बैक साइड अटैक होने की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं हम, यहाँ पर आपका सी एच थ्री एस ओ ओ ओ एच और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ओ एच आपका, यहाँ पर सी एच थ्री आपका कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ओ एच इस तरफ चला जाएगा और यहाँ पर H और यहाँ पर C2H5। जैसा कि आप लोग जानते हो कि बैक साइड अटैक होने पर आपका कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाता है, कॉन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों आपका चेंज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देना, कॉन्फिग्रेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज आपका हो जाएगा। हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये आपका A ये आपका B, ठीक है, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं सी एग्जांपल, कि सी में एक्चुअली में हो क्या रहा है बच्चों, काफी अच्छा है बच्चों, काफी अच्छे एग्जांपल है, सी में आपका एक्चुअली में हो क्या रहा है उसको देख लेते हैं। देखो अगर मैंने ऐसा लिया, अगर मैंने ऐसा ले लिया, ठीक है, ये आपका सी ओ ओ सी एच थ्री, ठीक है, यहां पर ओ सी एच थ्री एच डी सी एच थ्री, ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया एच टू ओ ओ एटीन, ठीक है, अभी आपको क्या लगेगा, अभी आपको क्या लगेगा, अभी आपको लगेगा कि H2OO18 आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आएगा, अभी आपको क्या लगेगा H2OO18, मतलब O का 18 वाला कहां आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, लेकिन ये तो क्या है बच्चों स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो ये आपका कहां अटैक करेगा, इस पॉइंट पर अटैक करेगा। नाउ अब आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, अब देखो ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, मैंने आपको बताया था ना ये वाला बॉन्ड आपका कब ब्रेक होगा, जब ये होगा, ये आपका क्या है टोसिलेट ग्रुप, ठीक है, जनरली तो आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन कभी कभी आपका ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है, तो ध्यान से समझने का, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा बच्चों ओ एच और यहां पर आपका क्या आ जाएगा ओ एच, ठीक है, यहां पर हाँ ग्रुप आपका कॉन्फिग्रेशन चेंज होगा ओ एच 18, ठीक है, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा डी, यहां पर सी एच 3, देख लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन आपका किस तरीके से चेंज हुआ है बच्चों, ठीक है, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ठीक है, अब फोर को नीचे लाएंगे, इस टू यहाँ चला जाएगा, वन इसको नीचे लाएंगे, ये यहाँ चला जाएगा, वन वन के बाद ये आपका टू, टू के बाद ये आपका थ्री, तो ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों, आर कॉन्फ़िगर, ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये आपका हो जाएगा वन, वन के बाद ये आपका कितना हो जाएगा बच्चों टू, ये हो जाएगा थ्री, ये हो जाएगा फोर, ठीक है, हाँ ठीक बच्चों, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, वन यहाँ चला गया, ठीक है बच्चों, फिर आपका टू यहाँ आ गया, फिर आपका थ्री यहाँ आ गया, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया एस कॉन्फ़िगर्ड, तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपका चेंज हो जाता है, कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या हो जाएगा बच्चों चेंज हो जाएगा, कब, जब आपका ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ठीक है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि इफ If if alkyl alkyl O bond will break then
देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज्ड, देन कॉन्फ़िगरेशन विल बी चेंज्ड, मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, तो एक बार हम उसको देख लेते हैं कि क्या है। ठीक है, अगर मैं एसिड कैटेलाइज्ड और बेस प्रोमोटेड, ठीक है अभी हमने समझा था। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर कराता हूं, देखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, दो मिनट सॉरी यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे बच्चों क्या हमने समझा था। यहां पर अगर मेरे पास यहां पर मैंने ले लिया एसिड कैटेलाइज्ड और एक मैंने ले लिया बेस प्रोमोटेड, अगर मैंने ले लिया एक बेस प्रोमोटेड, अब बात को समझेंगे। एसिड कैटेलाइज में हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर होता है, ठीक है, एसिड कैटेलाइज्ड में आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर आपका एसिड कैटेलाइज्ड में होगा, लेकिन बेस में आपका यहां पर, दो मिनट बच्चों इसको देखते हैं, दो मिनट, यहां पर हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर आपका एसिड कैटेलाइज्ड में, देखो यहां पर अगर एसिड कैटेलाइज्ड में रिवर्सिबल, दो मिनट देख लेते हैं बच्चों, सिंपल समझ लेते हैं बच्चों, ध्यान से, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर अगर आपका एसिड कैटेलाइज्ड में होगा, ठीक है, और यहां पर आपका बेस प्रोमोटेड में भी आपका होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एस्टरीफिकेशन रिएक्शन आपका केवल और केवल किसमें होगा, एसिड कैटेलाइज्ड पाथवे में, बेस प्रोमोटेड में आपका नहीं होगा, क्योंकि ये आपका इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है बच्चों, ये आपका इरिवर्सिबल, थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का, ये आपका इरिवर्सिबल होता है बच्चों। ठीक है, यहां पर समझना, बेस प्रोमोटेड वाले को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रख लेना। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना कोई आपका रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझने के लिए बस आपको एक एक करके मैकेनिज्म को थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपका होगा यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, आई होप सो कि यहां तक आपको एल्कोहल को प्रिपेयर करने का मेथड अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, और यह आपका काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, सेम मेथड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपका सिमिलर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो कि इसमें आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।